यहाँ की सिविल सोसाइटी की ओर से, स्टूडेंट्स की ओर से और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की ओर से कुछ बुनियादी प्रश्नों को पूछा जाता था। इस प्रकार की घिनौना व्यक्ति कैसे पुलिस की वॉलंटियर हो सकता है? जो मिनिमम प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई नाइट शिफ्ट में लेडीज वर्कफोर्स काम करते हैं और डॉक्टर जैसे दायित्वों में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, कैमरा कितने होने चाहिए, रिटायरिंग रूम कैसे होनी चाहिए, उसकी मिनिमम सेफ्टी क्या होनी चाहिए, उसकी सारे वेलेड प्रोसेसेस हैं। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक सरकारी हॉस्पिटल में इस प्रकार की इनएडिक्वेसी, ये सरकार की नाकामी को प्रमाण करती है। कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी दिया है। उसके अलावा जिस प्रकार की इनसेंसिटिविटी ममता जी की सरकार ने इस घटना को हैंडल करते हुए दिखाए, ये कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, प्रजातंत्र में इस प्रकार की सत्ता की अहंकार ये भी नहीं चलनी चाहिए, इस प्रकार की विषय में भी कोर्ट की टिप्पणी आई है। मैं आज कोर्ट की टिप्पणी को स्वागत करता हूं और कम से कम सत्ता में यहां की स्थानीय सरकार की दायित्व में रहने वाले लोगों को होश आए, वो लोग अपने दायित्व निभाए, यही उनसे अपेक्षा करता हूं। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।